का हुआ एक एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं, बाइक का बहुत ज़्यादा नुकसान है। मैं सिखा रहा था कि किस टाइप से इसको रूबिक्स क्यूब को बनाते हैं। यहाँ पे एक भी बंदा कोई ऐसा नहीं है जो इसके बारे में जानता है। अब बच्चों को लड्डू बांटा जा रहा है। तो भाई हमें बचपन की याद आ जाती है, ये देख कर हम लोग बहुत खुश होते थे। देखो कि ये है घंडियाल गाँव, बहुत खूबसूरत, खेतों से लदगद हो रखा, बिल्कुल जमीन की कोई कमी नहीं। इसका जो वजन है लगभग 10 किलो तक तो हो गई होगा। तो आज की सुबह आप देख सकते हो एकदम बंद बाड़ हो गई भाई। आज डर लगा हुआ था सुबह यहाँ से यहाँ तक। गाइस दिस इज देव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो यार आज इस ठंडी ठंडी ब्लॉग में आपका स्वागत है, और स्वागत करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इतने ठंड में एक ब्लॉग ही बन सकता है, और क्या हो सकता है, और तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यार यहाँ पे क्या किया जा रहा है आप देख सकते हो। क्या बेटा तो करना जा रही क्या तो बनो जरा बनो हैं कही दे अपो के। ये देखो दोस्तों यहाँ पे क्या किया जा रहा है इससे, मतलब इस ये जुराब बनाने जा रहे हैं। कुछ जान भी नहीं यार, किले छड़ी रहने यार। अब इसकी सोच देखो, इतना सा धागा ले रखा इसने, वो सोच रहा है कि मैं इसका जुराब बनाऊं वो अपने लिए। ऐसे सियाण पत्ती हो गए ना बच्चों के आजकल। ये देखो अपनी माँ को देखा होगा इसने अभी ऐसे ना, ये देखो। तो रागा भी नहीं होता तो घर में कुछ टाइम पास नहीं होता, मेरे बहुत बेकार लगता है। फिर रागा है तो उसके साथ थोड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं महालक्ष्मी किट के लिए, और साथ में हो गया ये बंदा तैयार। ये कह रहे हैं कि मुझे बॉल दिलाओ भाई। अब देखेंगे दुकान होगी खुली तो दिलाएंगे बॉल। क्या चाहिए बेटा तुझे हैं? बॉल बैट। तो इसको बॉल बैट दिलाते हैं पहले। इतनी सी हंसी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों से। कह रहे कि पापा गाड़ी आ गई मुझे इस साइड कर दो, बहुत सियाणा है भाई ये भी। तो आजकल इतनी चढ़ाई ठेलना भी मुश्किल हो रहा है। साथ में सम्मानित व्यक्ति हैं। हाँ जी नमस्कार। तो दोस्तों ये किट लाए हमने वहाँ से, और एक हारे जी को पसीना भी हो रखा भाई बहुत, वैसी फ़ोटो खिंचा दिया रहे इन्होंने। पसीना थोड़ा कम होता तो ठीक था। इसके लिए बॉल कहीं मिली नहीं, ममराज की दुकान बंद थी, अभी खुली, अभी पूछा मैंने तो वहाँ पर बॉल थी नहीं। अब घंडियालदार जाना पड़ेगा है बेटा, तभी दिलाऊँगा। चले अब चलो। इसका जो वजन है लगभग 10 किलो तक तो हो गई होगा। चले साहब चलो। दूसरी लेयर भी कंप्लीट। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा इसको मैं सिखा रहा था कि किस टाइप से इसको रूबिक्स क्यूब को बनाते हैं। यहाँ पे एक भी बंदा कोई ऐसा नहीं है जो इसके बारे में जानता है। तो एक दो लेयर के बारे में मैंने समझाया इसको, बाकी थर्ड लेयर है इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैंने रूबिक्स क्यूब एकदम पूरा फिक्स कर दिया है, आप देख सकते हो। मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मैं इसकी प्रैक्टिस करता था खूब, मतलब मुझे एक मिनट के अंदर करना है ये पूरा। तो दोस्तों अभी हीटर सेका जा रहा है, और मैंने कल सुबह के लिए कपड़े वगैरह प्रेस कर दिए, एकदम आयरन कर दिए चकाचक, क्योंकि कल सुबह मुझे झंडा रोहन करने जाना है हमारा जो प्राथमिक विद्यालय है बेसिक स्कूल वहाँ पे। तो आपको भी ले चलेंगे। तो चलो आप गाना गाएंगे। तो भाई ये गाना गाएंगे, इनका वीडियो जरूर देख लेना, इनकी डिमांड है ये। तो चलो कल सुबह मिलते हैं। आप सभी लोगों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो चलो यार अभी उड़ लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। प्रधान जी तो जा रहे, प्रधान जी का पीए भी जा रहा साथ में। हाय कर चल। तो भाई पीए साथ में रहता है और इसको हाथ पकड़ के ले जाना पड़ता है, मतलब हम इसके पीए हैं। चलो स्कूल पर भी तैयारी हो गई। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि।
बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बच्चों को लड्डू बांटा जा रहा है, तो भाई हमें बचपन की याद आ जाती है ये देखकर। हम लोग बहुत खुश होते थे और पूरा लड्डू भी नहीं मिल पाता था भाई, तो अब तो पूरा मिल जाता है। तो दोस्तों कार्यक्रम पूरा निपट चुका है, लोग जा रहे हैं ममराज भाई की दुकान में। यहाँ पे उन्होंने कुछ खास बना रखा आज, तो वो खाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलें पकौड़ी बना रखी, चलो गरम गरम पकौड़ी। तो भाई कड़क उस्ताद आए हैं लुधियाना से, तो पहले इनके ठेके चलते थे वहाँ, वो सब बंद हो गए, अब पकौड़ी बना रहे घर में। क्यों चाचा अब ये ठेका कर रहा बोले? तो यार दोस्तों आज नया राइडर आया है, आप देख सकते हो, ये देखो देख रहा हूँ कैसे जम रही भाई की, देखो क्या बात। चलो घुमाओ अबे घुमाओ, पर घोड़पुर से लाया भाई, हिम्मत देखो, हिम्मत को दाग देनी पड़ी। तो दोस्तों कार्यक्रम से मैं आ गया था और अभी मुझे फ़ोन किया घोड़पुर प्रधान जी ने, तो इन्होंने बोला कि ऐसे करते हैं गीन गाँव प्रधान जी का हुआ एक एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं, बाइक का बहुत ज़्यादा नुकसान है, प्रधान जी का थोड़ा बहुत चोट लगी हुई, तो यार उनका हाल चाल जानने चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी दीन गांव, तो सोचा आप लोगों को भी ले चलते हैं। तो आज की जो साथी है वो ये बाइक है, तो इन महाराज ने लाई वहाँ से घोड़पुर से, यकीन नहीं हो रहा मुझे यार क्योंकि प्रो राइडर है हमारे। चले तो अभी आया हूँ मैं घोड़पुर वाली रोड पे, वो क्यों आया हूँ क्योंकि भाई इनका जो घर का काम चल रहा है ना उसमें थोड़ा सा कील ख़त्म हो गई है, तो कील ले जानी पहले घोड़पुर और उसके बाद फिर वापस आएंगे तब जाएंगे दीन गांव, तो ये मेरे लिए काम इकट्ठा करके रखते हैं भाई जब तक मैं आता हूँ। चलो पहले घोड़पुर चलते हैं। आज साथ देगा हमारा ये डुग्गू, ये है डिस्कवर डुग्गू, अच्छा इंजन है इसका भी, बहुत फेमस हुआ करती थी एक टाइम पे डिस्कवर। प्रधान जी प्लास्टिक की कील लाना है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बहुत ही खूबसूरत गांव घोड़पुर, जो सामने का व्यू है आप देख सकते हो, एकदम हिमालय दिखता है, थोड़ा सा बादल बुदल लगे हुए हैं, ये तो मजा आता भाई यहाँ से देखने। तो दोस्तों घोड़पुर से आने के बाद अगर हम यहाँ से गुजर रहे हैं और इस दुकान में ना रुकें, समोसा से लेकर चाउमीन से लेकर चाय वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, तो सुबह से हमने नाश्ता नहीं किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा चाय और समोसा खा लेते हैं, उससे काम चलेगा आज। ये है तो दोस्तों ये है दीन गांव की इंटरलॉकिंग टाइल्स, ये प्रधान जी ने डलवाई है ना बीत में। देखोगे ये है घंडियाल गांव, बहुत खूबसूरत, खेतों से लदगद हो रखा है बिल्कुल, ज़मीन की कोई कमी नहीं घंडियाल गांव वालों के पास। अब ये खेत किसके हैं क्या हैं ये तो मेरे को मालूम नहीं, चलो प्रधान जी के घर चलते हैं। दीन गांव में आते ही सबसे पहले हमें पुराने पुराने टाइप के मकान दिख जाते हैं, आप इसको देख सकते हो बहुत सुंदर मकान है। तो गाँव के बीच में बना हुआ एक छोटा सा मंदिर किसी देवी के नाम से है, पूजा पाठ कराए क्या कुछ? अच्छा बढ़िया। बढ़िया लगी कुछ चोट चाट? ठीक हो अब? तो चोट नहीं लगी, थोड़ा पैर में लगी हुई है, ऊपर से पत्थर आ गया ना, तब उसको बचाते बचाते गाड़ी फिर भी फिसल गई। वो जहाँ पे वो दुनिया भर की मिट्टी है, मतलब अरे कोई बोलते बजरी कोई बोलते मिट्टी, क्या बोलते, परंतु ये चीज़ है कि बच गया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यार, सही ठीक है। उस बजरी में मतलब तेज अगर होते तो शायद हो सकता था कि नीचे चले जाते हैं, पर ऊपर वाले का शुक्र है कि
इतने में टल गया नीचे सीधे नदी ना सीधे जल को रहे। चलो महोदय चलते हैं, अपना ध्यान रखें। ठीक है भाई साहब, अब समय है दीन गांव को बाय बाय करने का, तो अभी हम निकल रहे हैं घर की ओर, क्योंकि समय से पहले निकलना सही रहता है, बाद में थोड़ा ठंडा भी ज़्यादा हो जाता है। और हमने तो आज ना तो टोपा ना मफलर ना हेलमेट कुछ भी नहीं ला रखा। देख सकते हो सामने पे कितने सारे खेत हैं और घनियाल गांव का जबरदस्त वाला व्यू। तो एक दोस्त रहता है यहाँ पे वीरेंद्र। तो दोस्तों बाइक मैंने यहाँ पे खड़ी कर ली और अब जा रहा हूँ थोड़ा ये चाबी देने, जिनकी बाइक ले गए थे प्रधान जी की जिया जी हैं, तो अब उनकी चाबी लौटा देते हैं। तो घोड़पुर वाले प्रधान जी को मैंने खंबाखाल से विदा कर दिया, अब खुद घर जा रहा हूँ, अब पैदल निकलूँगा डांगी से। आज फिर ट्राई किया है 2 दिन का एक वीडियो बनाने का, तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपने इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय की तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।